हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु। वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल रिएक्शन जोन। और दोस्तों कैसे हो? तो दोस्तों जैसा कि आपको तो पता ही है कि इंडिया में और बाकी दुनिया में कोरोना का कितना हाल है। अभी के फिलहाल हम देखें तो इंडिया में डेली के 3 लाख केसेस डेली आ रहे हैं। तो इस मौके पर मैं आपके पास एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जो कि आपका पूरा मतलब ये जो कोरोना की चीज़ है इन सबसे पूरा ध्यान हट जाएगा। क्योंकि जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो हमारे अंदर डिप्रेशन ही डिप्रेशन आने लगता है, थोड़ा सोचने लगते हैं, घबराने लगते हैं, डर जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भाई 2 लाख आ गए, 3 लाख केसेज आ गए, अब किसका नंबर है, मतलब डर लगता है। तो इस मौके पे मैं आपका ध्यान हटाने के लिए मैं आपके पास वीडियो लेके आया हूँ नेपाल की सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगहों की। चलिए उन सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह कौन कौन सी उनके बारे में हम जानते हैं, वो वीडियो देखते हैं, उन जगह के बारे में जानते हैं, जिससे कि कभी अगर मौका मिले नेपाल घूमने का। अभी लॉकडाउन हो गया दोबारा से दिल्ली में, तो कहीं कोई नहीं आ रहा है, सब घर में बैठे हुए हैं। अगर मुझे मौका मिलता है इंडिया से बाहर निकलने का तो मैं नेपाल में आके इन जगहों पे सबसे ज़्यादा विज़िट करूँगा और बहुत जल्दी विज़िट करूँगा। ओके दोस्तों, तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कशन करेंगे वीडियो के बारे में, नेपाल के बारे में, उन खूबसूरत जगहों के बारे में। और हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। ओके, तो चलिए मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ यूट्यूब पर जहाँ पर हमें वो वीडियो मिलेगा। तो जैसा कि हम लोग यूट्यूब पर आ गए हैं, अब यहाँ पर हम सर्च करते हैं टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस, ठीक है, टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस इन नेपाल बाय टूरोपीडिया। ये देखो नंबर टॉप पे जो वीडियो आ रही है, नेपाल घूमने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें, 10 अमेजिंग प्लेसेस टू विजिट इन नेपाल। और ये वीडियो हम देखेंगे टूरोपीडिया HD के यूट्यूब चैनल से, क्योंकि ये 7 महीने पहले डली थी, उसके 1.2 मिलियन व्यूज़ हैं। ओके, और इसी के जस्ट नीचे घूमने का 13 ज़बरदस्त जगह काठमांडू। तो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं इनकी। चलिए पहले हम पहली वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी की वीडियोज़ देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ईयरफोन लगा लेता हूँ, आप लोग भी लगा लीजिए और ध्यान से सुनते हैं इस वीडियो को। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, 1 2 3 गो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टूरोपीडिया HD पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसे देश की यात्रा पर ले जा रहे हैं जिनके साथ हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है। जी हाँ, एक ऐसा देश जिसके साथ हमारा वर्षों से संबंध है। भगवान राम से लेकर पशुपतिनाथ मंदिर तक, इस देश में सब कुछ हमारे देश की ही तरह है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस देश की बात करने वाले हैं। जी हाँ, माता सीता की जन्मभूमि नेपाल की। नेपाल को हम देश कहें कि भारत का छोटा भाई कहना मुश्किल है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से दो भाइयों में कुछ मन मुटाव जरूर हुआ है, लेकिन नेपाल से हर भारतीय का दिल से रिश्ता है और इस बात को कोई काट नहीं सकता। आज हम आपको नेपाल देश के हर उस जगह के बारे में बताने वाले हैं जहाँ आप घूमने के लिए जा सकते हैं, जहाँ आप अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। नेपाल में घूमने के लिए एक से बढ़कर एक जगह है और ये देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है। दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक नेपाल की बात ही निराली है। और अगर आपको नेपाल हिंदुस्तान से जाना है तो वीजा लगवाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज हम आपको नेपाल देश की वो तमाम जगह घुमा देते हैं जो कि है वर्ल्ड पॉपुलर डेस्टिनेशन। नेचुरल सुंदरता से परिपूर्ण नेपाल में विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के अलावा और भी बहुत से खूबसूरत पर्यटन स्थल है। छोटे से पहाड़ी देश नेपाल की आय का प्रमुख स्रोत टूरिज्म ही है। इसका उत्तरी हिस्सा हिमालय की चोटियों से घिरा हुआ है। यही नहीं, दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 अकेली नेपाल में, नेपाल में। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाल में ही स्थित है, जहां इसे सागर माथा कहते हैं। नेपाल हिंदू और बौद्ध धर्म की साझा विरासत खुद में समाये हुए है। इतनी सारी चीजें पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए काफी है जनाब। सबसे पहले बात करते हैं काठमांडू शहर की। दोस्तों, काठमांडू शहर नेपाल दर्शनीय स्थल की शोभा बढ़ाता है, जो देश का बेहद ही खूबसूरत शहर है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में शाम के समय सैर करने का एक अलग ही आनंद आता है। दरअसल काठमांडू हिमालय के पहाड़ों से घिरा हुआ है और ऐसे में शाम के समय यहाँ का मौसम काफी सुहाना हो जाता है। साथ में ही इस जगह पर नेपाली ट्रेडिशनल डांस और कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी समय समय पर होता रहता है। काठमांडू में आपको शॉपिंग करने के लिए भी काफी कुछ मिल जाएगा, साथ ही इस शहर में आप सनराइज का भी मजा ले सकते हैं। कहा जाता है कि सुबह सुबह जब धूप खिलती है तो यहाँ का नजारा
बेहद ही खूबसूरत होता है। साथ ही अगर आपको नेपाली खाने का शौक है या यहाँ के खाने का स्वाद लेना चाहते हैं तो आपको एक से बढ़कर एक रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा। दोस्तों, इस शहर की सबसे अच्छी बात ये है कि ये ओवर क्राउड नहीं है, यानी कि आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप भीड़ भाड़ का हिस्सा है। तो नेपाल आप जब भी जाएंगे आपको इस शहर के दर्शन तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि यहीं पर सारी करना है। पशुपतिनाथ। दोस्तों, नेपाल के दर्शनीय स्थल में पहला प्रसिद्ध मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि पशुपतिनाथ भगवान शिव को भी कहा जाता है और ये मंदिर भगवान शिव को अर्पित है। ये सिर्फ धार्मिक स्थल के रूप में ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर में केवल हिंदू धर्म के लोग ही जा सकते हैं और अन्य धर्म के लोगों को इस मंदिर के दर्शन बाहर से ही करने पड़ते हैं। बागमती नदी के किनारे बने हुए इस मंदिर के आसपास काफी पशुपतिनाथ मंदिर तो जाना है। पर्व के दौरान काफी संख्या में भक्त इस मंदिर में आते हैं। काठमांडू से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस मंदिर में जाने का सबसे बेस्ट समय सुबह के दौरान सूर्योदय का है। जी हाँ दोस्तों, वैसे भी हमारे देश से कई ऐसे लोग हैं जो कि साल में एक दो बार इस मंदिर में जाकर भगवान शिव के दर्शन कर ही लेते हैं। कहा जाता है कि यहाँ आने के बाद आपके मन को बहुत शांति मिलती है और आपकी सोच बदल जाती है। आप इस दुनिया की सच्चाई को समझने लगते हैं। अगर आप नेपाल जाएं तो इस मंदिर को जरूर जाना है। भगवान राम का ससुराल जनकपुर। दोस्तों, रामायण की कहानी तो सबको पता ही है। आपको पता ही होगा कि भगवान राम का ससुराल नेपाल का जनकपुर है। जनकपुर नेपाल का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और ये नगर प्राचीन काल में मिथिला की राजधानी माना जाता है। यहाँ पर प्रसिद्ध राजा जनक थे जो सीता माता के थे। आपको बता दें कि आज भी हमारे देश में मिथिला की जय जयकार। बिहार के कुछ जिले जैसे कि दरभंगा और मधुबनी मिथिला का हिस्सा है। आप जनकपुर जाकर माँ सीता के महल के दर्शन कर सकते हैं। जनकपुर में आज भी वो धनुष वैसे का वैसा ही रखा हुआ है जिसे तोड़ने के बाद भगवान राम की शादी माता सीता से हुई थी। अगर आपको रामायण से प्यार है तो जनकपुर में आप रामायण धनुष भी रखा हुआ है वहाँ पे। माता सीता के दर्शन नहीं पता थी यार। मिल जाएंगे। मुक्तिनाथ मंदिर। दोस्तों, मुक्तिनाथ मंदिर नेपाल दर्शनीय स्थल का एक और देखने लायक स्थल है। मुक्तिनाथ घाटी में ये मंदिर स्थित है। ये मंदिर भगवान विष्णु को अर्पित है और इस मंदिर में शालिग्राम शिला या शालिग्राम पत्थर की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार शालिग्राम शिला में भगवान विष्णु का निवास माना गया है और इसीलिए इस पत्थर को काफी पवित्र माना जाता है। इस मंदिर को पेंगोडा वास्तुकला से बनाया गया है। वहीं ये मंदिर हिमालय से 3,700 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद है, जिसके वजह से इस मंदिर के आसपास काफी प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है। यहाँ की तीर्थ यात्रा करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इस क्षेत्र की यात्रा में हिमालय क्षेत्र की बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं को पार करना होता है। अब है पोखरा। दोस्तों, पोखरा नेपाल दर्शनीय स्थल का एक और प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। पोखरा शहर के पास ही फेवा झील स्थित है और इस झील के चारों ओर काफी सुंदर और शांत वातावरण है। जो भी लोग नेपाल घूमने के लिए जाते हैं वो पोखरा जरूर जाते हैं। पोखरा नेपाल का दूसरा सबसे फेमस शहर है और इस जगह पर झील के अलावा कई सारे मंदिर भी हैं। साथ ही यहाँ की शाम बहुत ही खूबसूरत मानी जाती है। तभी तो कहा जाता है कि अगर आप नेपाल गए हैं तो एक शाम आप पोखरा के लिए भी रख लें। जी हाँ, यहाँ आपको नेपाल की ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल देखने को मिल जाती है। यहाँ के होटल्स में रहने से लेकर यहाँ का खाना पीना सब नेपाल स्टाइल का है। यहाँ आप नेपाल को जी लेंगे। सागर माथा। कितना बढ़िया तरीके से। दोस्तों, सागर माथा नेशनल पार्क भी नेपाल का एक बड़ा पर्यटक स्थल है जो बेहद ही सुंदर है। यह उद्यान नेपाल दर्शनीय स्थल में 4 चांद लगा देता है, जहां से माउंट एवरेस्ट को भी देखा जा सकता है। जो लोग माउंट एवरेस्ट नहीं जा सकते वे लोग सागर माथा राष्ट्रीय उद्यान से माउंट एवरेस्ट को देख सकते हैं। इस पार्क में आपको कई तरह के पक्षी और जानवर देखने को मिल जाएंगे। आपको बता दें कि इस पार्क को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी प्राप्त है, जहां जाकर आपको बहुत मजा आने वाला है। वैसे भी दोस्तों, जो भी नेपाल के दर्शन करने निकलते हैं वो सागर माथा नेशनल पार्क तो आते ही आते हैं, तो आप भी जरूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं अब लुम्बिनी की। दोस्तों, गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों का तीर्थ स्थल है। भारत नेपाल सीमा से कुछ ही दूरी पर स्थित रुमिनोदेई गांव की लुम्बिनी गांव है। सम्राट अशोक के स्तंभ के लिए जाना जाने वाला ये स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है।
यहाँ का प्रमुख आकर्षण केंद्र 8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ बाग है। इसके अलावा माया देवी मंदिर भी तीर्थ यात्रियों के बीच खास लोकप्रिय है। इसमें गौतम बुद्ध की माँ माया देवी की मूर्ति, इस मूर्ति माया देवी में गौतम बुद्ध का जन्म देती हुई दिखाई गई है। कहा जाता है कि यहाँ जाकर आप जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी जरूर होती है, और शायद यही वजह है कि लुम्बिनी में भारी संख्या में लोग आते हैं। दोस्तों, आपको कैसी लग रही है ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और बने रहिए हमारे साथ। अभी नेपाल में बहुत जगह घूमना है। अब है चांगू नारायण मंदिर। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर को नेपाल का सबसे प्राचीन मंदिर कहा जाता है, जिसका निर्माण 4वीं शताब्दी में किया गया। कुछ कारणों से इसे दोबारा 1702 में भी बनवाया गया। चांगू नारायण मंदिर शिवपुरी पहाड़ियों पर स्थित है, जहां पर शेषनाग के साथ भगवान विष्णु की मूर्ति रखी गई है। पत्थर से बनी ये मूर्ति शिल्प कला का अद्भुत नमूना। नगरकोट। दोस्तों, क्या आप हिमालय के नजारे का लुफ्त उठाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो ये अद्भुत जगह आप ही के लिए बनी है। यहाँ से आप हिमालय को समय दर समय बदलते देख सकते हैं। अपने होटल के कमरे की खिड़कियों से आप इसे आंखें चार कर सकते हैं। यात्री इसी अतुल्य दृश्य को देखने के लिए दूर दराज से यहाँ आते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य का दीदार भी यहाँ से बखूबी किया जा सकता है। नेपाल के दर्शनीय स्थल में इसका नाम सबसे ऊपर आता है। अंत में है देवघाट धाम। दोस्तों, देवघाट धाम भी नेपाल का प्रमुख पर्यटन स्थल है। देवघाट धाम काली गंडकी और त्रिशूली नदियों के संगम पर स्थित है। मकर संक्रांति के दौरान हिंदू धर्म के अनुयायी बड़ी संख्या में यहां आते हैं। इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। इसके अलावा यहां पर घूमने लायक कई ऐतिहासिक स्थल भी हैं। यहां पर त्रिवेणी मंदिर, वाल्मीकि आश्रम, सोमेश्वर काली का मंदिर, किला पांडवनाथ, कबिलासपुर किला जैसे कई स्थान है जिन्हें पर्यटक खास तौर पर देखना पसंद करते हैं। नेपाल जाना है। दोस्तों, अगर आपकी इच्छा कम पैसे में विदेश घूमने की है तो आप नेपाल जा सकते हैं। नेपाल में जाना बिल्कुल अपने देश में घूमने जैसा ही है, क्योंकि इस देश में कई सारे हिंदू मंदिर आपको मिल जाएंगे। नेपाल देश एडवेंचर करने वाले लोगों के लिए भी एकदम सही है, और इस जगह पर एडवेंचर का खूब मजा लिया जा सकता है। अगर आप नेपाल देश की ट्रिप प्लान करते हैं तो आपको ज्यादा जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इस देश की करेंसी काफी सस्ती है। आप आराम से 4 से 5 दिन इस देश में करीब 25,000 रूपए खर्च करके गुजार सकते हैं। दोस्तों, नेपाल घूमने के लिए अक्टूबर से दिसंबर का महीना सबसे उचित माना जाता है, क्योंकि इस दौरान मौसम साफ होता है और आप सुंदर नजारों का दीदार भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। जुलाई से सितंबर का मौसम यहाँ बारिश का होता है। अगर आप इस दौरान यहाँ आते हैं तो अपने सफर पर आकर पछताएंगे, क्योंकि बारिश आपकी यात्रा में बाधा डालेगी और आपको अपने होटल के कमरे में ही सारी छुट्टियां बितानी पड़ेंगी। अगर आप उचित समय देखकर यहां आएंगे तो बहुत लुफ्त उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ नेपाल के शानदार जगह जहां आप घूम सकते हैं। वैसे आप बताएं कि आपने कभी सैर की है? नहीं भाई, हमने कभी सैर नहीं करी। नेपाल इतने ज्यादा खूबसूरत शहर की, इतने ज्यादा खूबसूरत देश की कभी सैर नहीं की। बस चाहता हूँ आना नेपाल में। अब हर बार लॉकडाउन लग जाता है, क्या करें। लेकिन बहुत जल्द हमें इस लॉकडाउन को हराना है, इस कोरोना वायरस को हटाना है, जिससे कि हमारी सारी मुश्किलें दूर हो सकें और हम हर जगह आ जा सकें। ओके दोस्तों, तो अभी जैसा कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट, अपने घर में रहिए। मैं आपके पास ऐसी ऐसी और भी ढेर सारी वीडियोज़ लेके आऊँगा, आप उसको इन्जॉय करिए। तब तक के लिए ट्रिप प्लान कर लीजिए अपनी नेपाल के लिए, कब जाना है, लॉकडाउन ओपन होगा तो हमें कहाँ कहाँ किस किस जगह घूमने जाना है, अपनी लाइफ इन्जॉय करनी है, जो पिछले 1-2 साल में हम नहीं कर पाए, हम इतना पीछे चले गए, उसको आने वाले टाइम पे हम उसको अच्छे से जिएंगे। बाकी ये वीडियो देख के मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, जैसे कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा खास खास बातें बताई गई, ज़्यादातर मंदिरों के बारे में से बताई गई। वहाँ पे एक से एक बहुत बड़े बड़े मंदिर है। एक चीज़ मुझे अभी तक नहीं पता थी कि जो राम जी ने जो धनुष तोड़ा था सीता माता से शादी करने के लिए, वो धनुष अभी भी वैसा का वैसा वहाँ पे रखा हुआ है। तो उसको देखने ही मेरे ख्याल से बहुत से लोग पहुँच जाते होंगे, क्योंकि रामायण और महाभारत इतनी ज़्यादा फेमस है, और वो धनुष सबसे ज़्यादा तो वो धनुष फेमस है जिसकी वजह से राम जी और सीता जी की शादी हुई। तो वो धनुष बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है वहाँ पे जाके देखने के लिए। और एक चीज़ और इसमें बताई गई कि काठमांडू शहर को शाम को जीने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ का जो मार्केट है बहुत ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। लेकिन आज की डेट में मुझे नहीं लगता होगा इतना ज़्यादा वो है, क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोगों ने डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया है। नेपाल में पता नहीं अभी क्या हाल है कोरोना को लेकर के, लेकिन इंडिया में तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल होते जा रहा है। बस आप लोगों से यही
मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, अपने साथियों को भी समझाइए जो घर से बाहर जाते हैं, मास्क पहन के जाएँ, हैंड सैनिटाइज करें, हैंड वॉश करें, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बना के रखें लोगों से, और अपनी सेहत का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ओके दोस्तों, तो चलिए, वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई वीडियो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टा फेसबुक पर मुझे मैसेज कीजिए, मैं उसके ऊपर भी अपना रिएक्शन बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इस तरह की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।